जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग बिहार पुलिस के एग्जाम को देखते हुए और यूपी पुलिस के एग्जाम को देखते हुए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। और ए, इनका जो जन्म स्थान है यह पटना है, पटना बिहार। ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि आइसमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आइसमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह चेवांग नारफेल को कहा जाता है। चेवांग नारफेल को आइसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहीं तीसरा प्रश्न है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, तो यह जादव पायंग को कहा जाता है। जादव पायंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो यह कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय जो बाघ दिवस मनाया जाता है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाया जाता है। और भारत में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहा जाता है। के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यह ऋतु करगिल श्रीवास्तव को रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यह अब्दुल कलाम आजाद को कहा जाता है। अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से अब्दुल कलाम आजाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वहीं पर आपसे पूछे कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यह इंदिरा गांधी को कहा जाता है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि आयरन लेडी ऑफ वर्ल्ड, तो यह मार्गरेट थ्रेचर को कहा जाता है। मार्गरेट थ्रेचर को आयरन लेडी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी को कहा जाता है। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन ऑफ इंडिया का। चलिए अगला प्रश्न है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यह वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को ही माना जाता है। और भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुआ था। और भारत में वर्तमान में दूध के उत्पादन में राजस्थान नंबर वन हो गया है। वहीं आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो यह 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और अपना पूछे कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी 26 नवंबर को भारत में कानून दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि मून मैन ऑफ इंडिया यह डॉक्टर माइल स्वामी अन्नादुरई को मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मून मैन ऑफ इंडिया माइल स्वामी अन्नादुरई को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया रामचंद्र राव को सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से राजगोपालन वासुदेवन को माना जाता है। वही अगला प्रश्न है कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया
इंजीनियर इंजीनियर श्रीधरन को कहा जाता है, इंजीनियर श्रीधरन को कहा जाता है। और भारत में मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता में हुआ था। कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था 1984 ईस्वी में। 1984 में सबसे पहले मेट्रो भारत में कोलकाता में हुआ, दूसरा दिल्ली में हुआ था। दूसरा कहां हुआ? दिल्ली में हुआ, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। दादा भाई नौरोजी को माना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। और अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जोहरा सहगल को माना जाता है। जोहरा सहगल को कहा जाता है या जोहरा सहगल को माना जाता है। तो दोस्तों ये आप लोगों को प्रश्न कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक के पेज पर देख रहे होंगे तो चैनल को फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आप लोग का।